जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन अम्बे मातु की जय। पापांकुशा एकादशी आसुनी मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी कहलाती है। माता रानी जी की सेवा करने के बाद भी किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में अगर पाप बचा है, इसका महत्व इतना है मेरे भाई बहन कि 10 पूर्वान और 10 अपरान, मतलब आपके जन्म के पहले के जो 10 पूर्वज रह चुके हैं उनका, और जय जय सियाराम होने के बाद में जो 10 आएंगे उन सारे लोगों का उद्धार हो जाता है इस अकेली पापांकुशा एकादशी व्रत करने से। तो ये इस बार जो है 2023 में बुधवार 25 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हो रही है बुधवार के दिन में, और पारण इसका 26 अक्टूबर को प्रातः 6:30 बजे से लेकर के 9:40 बजे के अंदर करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद में जय जय सियाराम द्वादशी तिथि संपन्न हो जाएगी। कई जगह 2-4-5 मिनट और हो देश में, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो प्रयत्न यही कीजिए 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के अंदर पारण कर लीजिए, इसमें तो हम लोग आगे ही रहते हैं। इस एकादशी व्रत का वही नियम है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि जो लोग संतान की कामना से नवरात्रि व्रत किए हैं अथवा प्रसाद उनको मिला है, वो लोग विशेष भावना से करेंगे। बाकी सब लोग तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप हम सोच नहीं सकते हैं, इतना पुण्य प्रभाव है इस अकेली पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा मतलब जो पापों पर अंकुश लगा दे, अभी तक का जितना पाप है सब स्वाहा हो जाए, जय जय सियाराम हो जाए। तो इतना बड़ा पुण्यदायी ये व्रत है कि सहस्त्र मतलब हजारों वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य फल मिलता है, एक में नानी याद आ जाती है। सोचिए यजमान के रूप में अथवा आचार्य के रूप में, तो भैया सहस्त्र मतलब हजारों करने में तो इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता है। वो सोचिए एक 24 घंटे के व्रत करने से हमको लाभ मिल जाएगा, और भी बड़े बड़े जो सत्कर्म बताए गए, पुण्य बताए गए हैं अथवा बड़े बड़े पाप बताए गए हैं, जो लोग जो है शिव जी की वैष्णव होकर के शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो है शिव भक्त होकर राम जी की निंदा करते हैं, मतलब वैष्णवों की निंदा करते हैं, वो चाहे राम कृष्ण अथवा दत्तात्रेय भगवान बालाजी किसी का भी भक्त हो उनकी निंदा करते हैं अथवा मैया के भक्त की निंदा करते हैं, उससे जो महापाप लगता है अथवा गौ ब्राह्मण विप्र माता पिता गुरु स्त्री अथवा कोई काम वाला व्यक्ति किसी का भी जो अपमान करते हैं, उन सारे अपमानों सहित जो महापाप होते हैं, गांव जलाने का, घर जलाने का या देश जलाने का, उन सारे महापापों से भी जो है मुक्ति मिल जाती है और अक्षुण्य और दिव्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसका भी नियम उसी प्रकार से जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं, एक दिन पहले से ही जो है नियम प्रारंभ हो जाता है। लहसुन प्याज बैगन कुंदरू इत्यादि जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। दसवीं को यानी कि 24 तारीख को एकादशी को प्रातः उठ करके आस पास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान करें, मन में ध्यान करें, हे प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए, अथवा घर में ही आप स्नान करने के बाद बार बार कहता हूँ भैया 2 बूंद गंगा जल मिला लेना, दाढ़ी मत बनाना, आफ्टर शेव मत लगाना, लेकिन जिनको ऑफिस गोएंगे उनकी बात अलग है, तो लेकिन आफ्टर शेव वगैरह से तो बच सकते हैं, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है या इस प्रकार की जो चीजें हैं, इन सब में अल्कोहल मिला होता है जिससे आपका शरीर अशुद्ध हो जाएगा, इन सबको प्रयोग हमें नहीं करना है। और करना क्या है, भगवान विष्णु जी की पूजा करना, सत्यनारायण पूजा करा लें तो कहना ही क्या है, और आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर विशेष पूजन कराएं तो और भी आनंद की बात हो जाएगी। इसके बाद में रात्रि जागरण करना है, संध्या में भगवान के विशेष सेवा पूजा करना है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर के भगवान को ही रोज से अधिक सजा दीजिए, नहला दीजिए, धुला दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए। और एकादशी व्रत का महत्व सुनिए। इस एकादशी व्रत की कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताया था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कितना बड़ा पाप हम लोग सोच भी नहीं सकते, उन सारे पाप अगर गलती से भी हो जाएं तो उन पापों से मुक्ति, और जो सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उन सारे पुण्यों की प्राप्ति हमें अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक नियम से करेंगे तो अवश्य माता रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त होगा। इस एकादशी व्रत को जाया मत जाने दीजिए, अवश्य कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।